नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज आपकी आवाज। आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बटेंगे तो कटेंगे के एजेंडे पर ही आगे बढ़ेगी भाजपा की सियासी रणनीति, उपचुनाव में भी दिखेगा इसका असर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साफ कर दिया है कि अब उसकी आगे की पूरी रणनीति बटेंगे तो कटेंगे के एजेंडे पर ही आगे बढ़ेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला यह नारा अब संघ परिवार के मुख्य एजेंडे का हिस्सा बन गया है। उपचुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसवाले ने हिंदू एकता के लिए बटेंगे तो कटेंगे के नारे को जिस तरह से समाज के लिए जरूरी बताया है, उससे ये साफ भी हो गया है कि भविष्य में उसकी सारी रणनीति और निर्णय इसी के इर्द गिर्द रहेंगे। भाजपा भी इसी पर आगे बढ़ेगी और यूपी में 2027 की सियासी बिसात बिछेगी और इसी को केंद्र बनाकर हिंदुओं की एकता का अभियान भी चलेगा। होसवाले ने संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के बाद मथुरा में इस नारे को जिस प्रकार से प्रमुखता से उठाया है उसके कई मायने हैं। इस बयान को लेकर विपक्ष के सवालों को खारिज करते हुए संघ परिवार इसको अलग तरीके से परिभाषित भी कर रहा है। संघ परिवार का कहना है कि योगी के इस बयान को एक समिति दायरे में नहीं देखना चाहिए। संघ के एक उच्च पदाधिकारी कहते हैं कि इस बयान का सीधा सा अर्थ यह है कि यदि देश बटेगा तो देश पर खतरा, समाज बटेगा तो समाज पर खतरा और हिंदू बटेगा तो हिंदुत्व पर खतरा होगा। उनका कहना है कि इस बयान की मंशा हिंदुत्व में एकता बनाए रखने की है, ऐसा होने से ही समाज एक रहेगा। संघ के इस नजरिए का यूपी के सियासी परिपेक्ष में बहुत महत्व है। होसवाले के बयान से यह भी साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष के आरक्षण और संविधान बदलने के भ्रामक बयानों से हिंदू वोटों के बंटवारे ने संघ परिवार को गहरी चिंता में डाला है। यह चिंता समझी भी जा सकती है। संघ को सबसे गहरा आघात यह लगा है कि वर्षों की मेहनत के बाद हिंदुओं के सभी जातियों को जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व की माला में पिरोया था वे कैसे बिखर गई, जबकि इसी के सहारे 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 व 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत हुई थी। विपक्षी दलों द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व में सेंध लगाने को संघ परिवार सामान्य बात नहीं मान रहा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से संघ परिवार बिखरी हिंदू जातियों को फिर से एकजुट करने की कोशिश में जुटा है। हरियाणा चुनाव से ठीक पहले सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान ने जिस तरह से हिंदुओं को फिर से एकजुट करता दिखा है, उसके बाद से ही भाजपा और संघ के लिए यह बयान और महत्वपूर्ण बन गया है। माना जा रहा है कि हरियाणा चुनाव में इसका खासा असर भी दिखा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज आपकी आवाज़।